हेलो फ्रेंड्स, मैं बीएन यादव बोल रहा हूँ। ये जो यूट्यूब पर चल रहा है सीमा और हैदर का केस, सीमा और सचिन, दे मस्ट बी थ्रोन अवे फ्रॉम हियर। ये चूतिया बनाती है। चूतिया जैसे लड़के को पकड़ी है, वो बेकूफ लड़का है सचिन, अनपढ़ है, और वो कहती है पांचवी नहीं है। एवरीबॉडी नोज दिस लैंग्वेज, उसके जो लैंग्वेज बोलने का है, चलने का है, बोलने कहने का, माइक पकड़ के बोल स्पीक फ्रिक्वेंटली जो बोलती है, आप लोग देख नहीं रहे हैं क्या? और यूट्यूब में जो एंकर्स हैं चिल्ला रहे हैं, जैसे बोलते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ये मैं कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा। अरे भैया, सिंपल सी बात है, वो अनऑथराइज वे से आई है, वो पाकिस्तान के बहुत धूर्त लड़की है, बहुत कनिंग है, जासूस समझो या कुछ समझो या सीबीआई सीआईडी सब कुछ पाकिस्तान से है, उसको सीधे पकड़ो और जैसे आई थी बोले वैसे जाओ। हम इसको बिना जिएगे नहीं। अरे जिएगे नहीं तो अनऑथराइज आए हो, पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता है सबको पता है, एवरी बडी नोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता है। और ये कैसे दुबई गई, दुबई से आ गई, एक पाकिस्तान का बोल रहा है कि डांसर है, एक पाकिस्तान का आप यूट्यूब पर देखे होंगे तो एक लड़का बोल रहा है कि ये जो सचिन है उसी में मैंने देखा यूट्यूब पर ही, वो एक लड़का बोल रहा है कि सचिन भी पाकिस्तान गया था। कैसे गया था अभी तो भगवान को मालूम है या उसको मालूम है। आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर, देखिए एक जगह एक लड़का है गांव का जहाँ रहती थी, वो बोला कि वो भी आया था यहाँ। तो ये है कि इनकी कुछ कॉन्स्पिरेसी है, और ये जो लड़का है सचिन, जो सचिन मीना है, ये बेकूफ टाइप का है। इसको इंटेलिजेंट कोई होशियार आदमी जो इसे सुंदर है, जिसे बात करने का तरीका, चेहरे पर हंसी है, इसके लड़के को देखो उल्लू जैसा बैठा रहता है, घूंग जैसे बैठा रहता है, और वो बोलती रहती है, और ये कुछ बोलता नहीं, कुछ बोलता भी है वो हैदर से बात कर, हाँ हमको साथ रहने दो हमको। अरे ऐसा मजाक लगा क्यों किसी के साथ रहेगा, कानून है ना इंडिया में। आप मेरा ये अनुरोध है, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इंट्रोगेशन इज अ वेरी मच रिक्वायर्ड, इंट्रोगेशन करना बहुत जरूरी, इंट्रोगेशन कीजिए कैसे कहां से इसको थर्ड डिग्री भी दिया जाए। मेरा जो ये है इसको थर्ड डिग्री भी दोनों को दिया जाए, इनकी दोनों की कॉन्स्पिरेसी है। ये बेकूफ लड़का है, एक दिन देखा एक चाटा मारी इसको, हमने यूट्यूब पर देखा है, वो बोला कि सब तहस नहस कर दूंगा। मैंने यूट्यूब पर देखा वो कही, वो एक मतलब यूट्यूबर भी थी, ये सब क्रियाएं देर ये समथिंग रॉन्ग जो अभी नहीं आ रहे। चार बच्चों का लाने का क्या मतलब, आदमी कोई चार बच्चों के साथ मतलब कितने साल तो हस्बैंड के साथ रही, कोई कह रहा है कि आर्मी में मेजर है, कोई कुछ। अरे भैया कुछ भी हो, पाकिस्तान में है ना, इंडिया में नहीं है ना, एक कहानी बनाने से मतलब नहीं है। सीधे इसको पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते, इसको बॉर्डर पर बाघा बॉर्डर पहुंचा दीजिए, वो पाकिस्तानी ले जाएंगे, जो करे मरे जिए जो कुछ करे उसका काम है। औरत है अमर, अरे औरतें पिछले दिनों का जब हिस्ट्री रिफर करेंगे, पाकिस्तान की औरतें हमारी पूरा बॉर्डर संभाल रख रखी थी इंडियंस को हनी ट्रैप करने के लिए। अरे बोल रहा हूँ ना, मैं तो न्यूज पर बोल रहा हूँ, हनी ट्रैप, इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ज्यादा बात करने की जरूरत है, यूट्यूबर्स को एंकर्स को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया कहाँ ले गया, बंद है रूम में, गायब है। अरे सीधी सिंपल बात है, आर्मी के गाड़ी में बैठाओ और बॉर्डर पर उसको पहुंचा दो, वो पाकिस्तान जाने उसका काम जाने। चार बच्चे हैं दोनों, वो 33 टनर गाड़ी जो 6-7 टनर गाड़ी है उसमें पीछे बैठाओ, उसको 2-4 रोटी और सब्जी दे दो खाने के लिए, बाघा बॉर्डर पर पहुंचाओ, उसको बाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी अपना खुद ले जाएंगे, वो झूसेंगे जो कि जो है क्या है, पकड़ी गई है, ये अनऑथराइज काम है, इंडियन के सिटीजन मिल नहीं सकती, बच्चों को मिल नहीं सकती, वो लड़का शादी नहीं कर सकता, ये सबको मालूम है। इन्हें हमारे जो कानून जो बनाए गए ऐसे नहीं बनाए गए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। तो इसलिए आईएस करने के बावजूद भी अगर वो ऐसा करती है, नहीं मानती, आप भेजो उसको सीधे, ज्यादा सोचने की ज्यादा इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं है भैया, पाकिस्तान से पाकिस्तान जाओ, जैसे बंगलोर ने भेजा था ना ऑलरेडी। हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे देश में रहे ऐसी औरत। कोई कहता कि वो दुबई में डांस करती थी, कोई बोलता कि कुछ करती थी, कोई बोलता है पबजी खेलती थी। अरे पबजी के ऐसी की, तब पबजी से हम भी पबजी खेलते हैं, कितने लोग खेलते हैं, तो क्या होता है इसका रिजल्ट यही है कि हमारे घर आकर होगी, वो भी दुश्मन की लड़की। ये साले आए बॉर्डर पर क्या नहीं करते हैं हमारे, कभी 40-42-50 कब आए दिन फौजी
शहीद होते रहते हैं, और उनसे हम इतना इतना हमदर्दी आ जाएगी, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये सब बेवकूफ लोग हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे रखा जाता है, कैसे जिंदगी क्या है, देश कैसे चलाया जाता है। वो पाकिस्तान का बोला कि एक पाकिस्तान का जो उधर का जो यूट्यूबर है वो बोलता है कि इंडिया का कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, मैं बताऊंगा 10 दिन के बाद बताऊंगा। अरे कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा है, ये भेजी गई औरत, ये जो जासूस है थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट आ नहीं सकते, दुबई के थ्रू ही थ्रू नेपाल के थ्रू पैसे दे करके बॉर्डर पर जहाँ पर जहाँ जो लगा ये पैसे देकर 15-20 जो भी 10-15 लाख रुपये पाकिस्तान ने खर्चा किया, इंडिया भेज दिया, इसको जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान पहुंचाया जाए। यही मेरी, मैं यही कहूंगा, सबसे ये अनुरोध है कि ज़्यादा सोचे नहीं, इसको पाकिस्तान जितना जल्दी होगे बाघा बॉर्डर पर पहुंचा दे, उधर पाकिस्तान की सेना ले जाएगी। मैं यही कहना चाहता, धन्यवाद।